हेलो फ्रेंड्स, मित्तल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू पुदीने की ऐसी शरबत जिसे पीने के बाद कोई नहीं बता सकता कि आपने इसमें ना चीनी डाला है ना वाइट सॉल्ट डाला है, और आपको टेस्ट वाइज भी नो कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मिक्सर जार में 2 बाउल जितना पुदीने का पत्ता, 4 चम्मच जितना गुड़ पाउडर, अगर आपके पास गुड़ पाउडर ना हो तो आप गुड़ को भी काट के डाल सकते हो। जगरी पाउडर डालने के बाद हम इसमें 1 बाउल आइस क्यूब्स के डालेंगे। ये जूस मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 2 लेमन जूस का यूज किया है। आप जितने लोगों के हिसाब से बना रहे हैं उसका आधा लेमन का यूज कर सकते हो। इन सबको डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से फाइनली ग्राइंड कर लेना है, एकदम पेस्ट की तरह बना लेना है इसका। ये जूस आप बच्चे, बड़े, मेहमान किसी को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी रहता है। कोई कह नहीं सकता कि आपने इसे विदाउट शुगर और विदाउट वाइट सॉल्ट के बनाया है, बिल्कुल सात्विक स्टाइल से बनी है शरबत। बहुत ही टेस्टी बनती है। अगली बार जब आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसे ये शरबत बनाकर ज़रूर पिलाएं। अच्छी तरीके से पीसने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन में उसे जाके जल्दी से प्रेस करें। बिकॉज हमने इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ का यूज़ नहीं किया है, तो आप वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी एक बार ये शरबत बना के ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सात्विक तरीके से बनी शरबत कैसी लगी। अच्छी तरीके से छानने के बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जितना भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप ब्लैक सॉल्ट की जगह सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हैं, बट वाइट सॉल्ट का यूज मत कीजिएगा। इसके बाद मैंने आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिया और इन सबको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर दिया। अब हमारा शरबत बनकर रेडी है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे 1 ग्लास में। इसके लिए मैंने ग्लास में सम आइस क्यूब्स के डाले हैं, और अब हम इसमें हमारी बनी हुई शरबत डाल देंगे और गार्निश करेंगे मिंट लीव्स से। गाइज, आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।